बाद बेसिकली है मदर्स डे। मैंने अपनी अम्मा जी को कहा हैप्पी मदर्स डे, तो कहती है ये उन्ना मामा को जी तुसी बुलाई हुई है। कहने का मकसद ये है कि ये मदर्स डे उन माओ के लिए दी है कि इन माओ के लिए। ये दूसरा मदर्स डे है जो माँ ने आपको पैदा किया वो बोला कि अपनी माँ जी के लिए जाके कोई गिफ्ट वगैरह लाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे फिर रात को डिनर करेंगे और मे भी और कोई चीज अगर मिल जाए तो वो भी ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो मिलते हैं आपको उधर। हमें एक और बात के ना ये इमरान खान की वजह से प्रोटेस्ट जा रहा था काफी, तो जिसकी वजह यूट्यूब फिल वक्त बंद की हुई है, ट्विटर बंद किया हुआ है और इसके अलावा फेसबुक आई थिंक बंद की हुई है। तो यार ये कुछ क्राइसिस आ रहे हैं, ये कब तक चलता है? मेरे पहले फिल वक्त नाश्ता करते हैं, स्लाइस मारे हो रहे हैं और नाश्ता करके फिर हम निकलते हैं अपने काम को। टाइम जनाब साहब हुआ है सिर्फ 1:30 बजे। बड़े हरामी हो बेटा। और 1:30 बजे अपना नाश्ता कर रहे हैं। बाकी आप समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी है। काम क्यों मेरी अम्मा जी इतना बोल रही है? हम निकले तो कोई काम वगैरह करने थे, लेकिन इतनी कोई शदीद की गर्मी पड़ रही है ना, पता नहीं सारे गुनाह ऐसे ही घर बैठे हैं। ऐसे तो नहीं होता है यार, हमें लग रहा है बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी फिर वगैरह सूरज नीचे थोड़ा सा आता है, थोड़ा नॉर्मल होता है तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं या कोई काम वगैरह करते हैं। फुल और रेडी तैयार हो गया है, हम निकल रहे हैं रेस्टोरेंट पे, ट्रीट शीट देते हैं अच्छे वाली। ठीक है, वाह क्या सीन है यार, जो मर्जी को मेरी चॉइस और किसी चीज पे अच्छी हो या दही हो। शूजों में जो भाई की चॉइस है ना वो आप मुकाबला नहीं कर सकते। आपके भाई के पास इतना ढेर शूजों का पड़ा है पर फिर भी मेरा दिल नहीं भरता, और वैसे भी अभी ये चीज सिर्फ सरप्राइज ही है कि उनको क्या गिफ्ट देना है। पर मेरी अम्मा जी ने काम नहीं खत्म होते। क्या बोला तूने? मेरी अम्मा जी को अपने काम कहते हैं वो पहले हो, मुझे नहीं पता यार। ये देखो आपको मजे की बात बताता हूँ। अच्छा ना ये प्रोटेस्ट हुआ ना लास्ट टाइम, तो बाहर सभी हर जगह ही रोड ब्लॉक थे जनाब, हर चीज ब्लॉकेज हुई थी। तो अब बाहर दंगे फसाद हो रहे हैं और मेरी अम्मा क्या कह रही है, मेरी अम्मा कह रही पुत्र छेती ना जाके मेरे सरारे दे शॉर्ट ले आ दे। मौसम चलने फिरने के चलो काबिल तो हो गया। अभी बात के जो हमने गिफ्ट मंगवाया हुआ था वो आ चुका है, अभी हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके उसको परचेज करते हैं। मीन ऑर्डर दिया हुआ था वो आ गया हुआ है, तो परचेज करते हैं फिर लेके आते हैं, सरप्राइज देते हैं अपने अम्मा जी को और फिर देखते हैं रिएक्शन। ऊपर से आप ये चेक कर रहे हो, कोई इशारा नहीं है ऐसा डे थे अपनी ये रहना। अब वो ट्रैफिक आ रही है, अब आपका भाई अपनी मर्जी से निकालेगा और ये जाते जाएंगे। मारो मुझे बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरी तरह की हरकतें करने से तो काफी ग्रेस किया करे। अच्छा हमको सिखा रही है? जा रहे थे तो मैंने कहा यार अब अकेले ने क्या जाना ना, दोस्त को साथ ले लेता हूँ। मेरे दोस्त को फोन किया वो टू चेक सोया हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है यार, उधर दरअसल पार्किंग का मसला होता है तो इसलिए बस। अच्छा जिधर से दिल करता है उधर से रास्ता बंद कर देते हैं। आप साहब चेक करो पाकिस्तानी वाप का, जिधर से दिल करता है रास्ता बंद कर देती है। ये देखो वाप खड़ी हुई है और ये इसलिए नहीं खड़ी की इशारा पाता है, ये इसलिए खड़ी है आगे इन्होंने कंटेनर रख दिया है। और क्यों रखा है जनाब? साडी मर्जी। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अब इधर बंदा क्या करे, ये कौम नहीं सही हो सकती, इन्हों चित्रा दी कभी और कभी कभी बात तो सही है।
फाइनली हम बाजार में पहुंच गए हुए हैं, इज घंटा चौक। ये जी गिफ्ट शॉप औरतों के लिए, नॉट बैड। और अभी देख रहे हैं सामान निकालते हैं, उसमें से देखते हैं जो अच्छा लगता है वो ले के इंशाल्लाह। तो कोई चीज का गिफ्ट देना होगा तो भाई इस टाइम की चीज है ना, जो लेने वो ले सकते हैं। चलो ये ठीक है, ले लिया, चल गए। अब ले तो लिया, लेकिन अब मेरा ख्याल है इसको ना पैक करके रैप करके गिफ्ट पेपर तो फिर दें, लेकिन अभी जाके पहले गिफ्ट पेपर लेते हैं और फिर इसको पैक करके फिर अपनी अम्मा जी को गिफ्ट देंगे। पैक हो गया, अब जब घर जा रहे हैं घर जाके अम्मा जी को गिफ्ट देते हैं और देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। ये आपका गिफ्ट है। अच्छा फेक एक्सप्रेशन दो, आपको गिफ्ट कैसा लगा? एक गिफ्ट ला के दिया ऊपर से अम्मा जी ने, एक दफा थैंक यू भी नहीं कहा कि चल बंदा दिल रखने के लिए कह देता है। छोटी बच्ची हो क्या? तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया जनाब। बादल चेक करो यार, माशाल्लाह क्या कमाल लग रहा है। चेक करो सीन तो ये हुआ ना, ये चेक करो। अभी बादल दिखाए थे और आती हूँ इतना बेड़ा गर्क हो गया ना, आंखों पड़ गई है, बंदा क्या करे। बहर इधर करते हैं ब्लॉग का, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तब आगे लाकर शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।